चैप्टर 3 करते हैं, क्लास 10th का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, तो उसे हम टॉपिक वाइज लेते हैं। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सॉल्वेबिलिटी ऑफ एन इक्वेशन, कि आपके पास ना दो इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0, और एक दूसरी इक्वेशन है आपके पास a2x + b2y + c2 = 0। अब तीन चीजें हो सकती हैं कि जब आप ये दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो ना, मेरे पास ये दो इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल में है एक्स और वाई, दो वेरिएबल है आपके पास और दो इक्वेशन है। अब आप इन्हें जब सॉल्व करोगे तो दो चीज यहाँ पे आपको ये हो सकता है कि तीन कंडीशन आपकी बन सकती हैं, ठीक है, कि जो भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा है या तो वो सॉल्वेबल होगी, यानी कि आप सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आ पाओगे जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, या फिर वो सॉल्वेबल नहीं होगी, है ना, सॉल्वेबल, या तो वो सॉल्वेबल होगी या सॉल्वेबल नहीं होगी। अगर वो सॉल्वेबल है तो हम इक्वेशन को बोलते हैं कि आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। अगर वो सॉल्वेबल नहीं है तो हम कहते हैं कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके हमारे पास कई सारे तरीके हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता करने के, तो एक एक करके हम वो करेंगे, ठीक है। अब इसमें कंसिस्टेंट में भी ना आप देखोगे तो एक आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि आपने सॉल्व करा इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा और एक्स की आपको एक एक वैल्यू मिल गई, है ना, एक्स की और वाई की आपको एक एक वैल्यू मिल गई जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल गया। दूसरा, जब सॉल्वेबल है तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है, सॉल्वेबल नहीं है, आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी नहीं जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर देती हो, तो वहां पर हम कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीन चीजें हमारे पास ही हो जाती है। तो इक्वेशन आपकी सॉल्वेबल हो सकती है, इनसॉल्वेबल, सॉल्वेबल मतलब कंसिस्टेंट, इनसॉल्वेबल मतलब आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिल रही है ना, जो कि दोनों को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोल देते हैं वहां पे, ठीक है। अब यहां पे जब आप इसे पता करोगे, आप इसे सॉल्व करोगे, तो हमारे पास एक तो आता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, कि आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ग्राफिकल मेथड, आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, और जब आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो तो वहां पर आपकी जो लाइंस हैं वो किस तरह की हैं, वो अभी मैं यहां पे भी इसमें भी लिखूंगा कि किस तरह की है, उससे आप ये बता पाओगे कि सॉल्यूशन कैसा है। दूसरा, हम देखते हैं कि जब हम इनके कोफिशियंट्स, जैसे एक्स के कोफिशियंट है आपके पास a1 a2, वाई के कोफिशियंट है c1 c2, और कांस्टेंट आपका है, सॉरी, वाई के कोफिशियंट्स है b1 b2 और कांस्टेंट आपका c1 c2, तो इनके रेशियो को कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप a1 / a2 निकालते हो और वो बराबर नहीं आता है b1 / b2 के, ठीक है, यानी कि हम यहां पे कह रहे हैं कि जो दोनों इक्वेशन के एक्स के कोफिशियंट का रेशियो है अगर वो बराबर नहीं आएगा वाई के कोफिशियंट्स के रेशियो के, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, आपको एक्स वाई की एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है। यहां पर अगर ऐसा होता है कि आपके एक्स के कोफिशियंट का रेशियो, वाई के कोफिशियंट का रेशियो और जो कांस्टेंट पार्ट है उसका रेशियो तीनों बराबर आ जाते हैं, तो आप बोलते हो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ऐसे ही अगर आप a1 / a2 निकालते हो जो कि b1 / b2 के बराबर आता है, यानी एक्स के जो कोफिशियंट्स हैं उनका रेशियो, वाई के जो कोफिशियंट्स हैं उनका रेशियो अगर वो बराबर है बट वो कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तो हम बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आप यहां से ये कंडीशन से चेक कर लोगे। यहां पर जब आप ग्राफ पे बनाते हो ना, तो यूनिक सॉल्यूशन में जो लाइंस आएंगी ना वो कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कि लाइंस क्या होंगी, जब आप जैसे एक ये इक्वेशन है इसे प्लॉट करोगे तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करोगे ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा कि आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पर आपका जो एक्स वाई है वो दोनों लाइंस के ऊपर आ रहा होगा, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो लाइंस कैसी रहेंगी आपकी, इंटरसेक्टिंग रहेंगी। दूसरा, आपका जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते कैसे हैं, आप ये देखो कि अगर एक लाइन है और उसी के ऊपर आप दूसरी लाइन बना देते हो, ठीक है ना, इसी के ऊपर अगर ये एक और लाइन बन जाती है, तो आप देखोगे कि यहां पर जो मल्टीपल पॉइंट्स हैं,
ना, यहां पर ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो कि दोनों इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसाइडिंग या आप ओवरलैपिंग लाइंस बोल सकते हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी। ठीक है ना, तो यहां पर जो लाइंस आएंगी आपकी, जब ग्राफ पे इसे प्लॉट करोगे, ग्राफिकल मेथड हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो जब आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हो, ठीक है, आपने एक ग्राफ लिया, यहां पे आपकी एक लाइन इस तरह से बन गई, और आपने जब दूसरा प्लॉट करा तो वो भी उसी के ऊपर आ गई। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन, यानी आपको कोई भी ऐसी लाइन ना, ऐसा पॉइंट ना मिले जो दोनों के ऊपर लाई करता हो। ठीक है, तो यहां पर जो लाइंस आती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे कि जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक अगर ऐसे बन गया तो दूसरा ऐसे चला जाएगा ना, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस सेम रहेगा, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो पहला टाइप जो हमारा आता है ना इसके ऊपर, वो यही चेक करने के लिए आता है। ठीक है, कि आप यहां से चेक करोगे कि सॉल्यूशन किस तरह का है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर आप देखोगे कि कंसिस्टेंसी के लिए अगर पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों के केस में आप बोलते हो कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब बोला जाएगा, अगर वो नो सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि जो कंसिस्टेंट विद डिपेंडेंसी अगर बोल रहा है तो वो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कंसिस्टेंट के लिए पूछा जाता है तो आप यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों के केस में आप कंसिस्टेंट बोलोगे, नो सॉल्यूशन के केस में आप इनकंसिस्टेंट बोलोगे। पहला टाइप तो ये होता है। दूसरा टाइप होता है जिसके अंदर आपको गिवन होता है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, वो आपको गिवन होता है और आपसे कोई एक के की वैल्यू, पी की वैल्यू ऐसे कुछ निकलवाते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसी के ऊपर देख लेते हैं क्वेश्चन की। सपोज ऐसे इक्वेशन आपको दी हुई है 2x + 3y इक्वल्स टू 5, 3x - 2y इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, तो जब आप कंपेयर करोगे ना इन दोनों इक्वेशन से, तो आपको पता चलेगा जो पहली वाली है ना, फर्स्ट इक्वेशन से आप a1 b1 और c1 निकालोगे। ठीक है, तो इसे आप कंपेयर करोगे 2x + 3y = 5 को, या अगर आप 5 को इधर लेके आ जाओगे तो आप इसे बना लोगे -5 = 0। ठीक है, आप यहां से लेफ्ट साइड लेके आ जाओगे तो माइनस में बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इसे कंपेयर कर रहे हो a1x + b1y + c1 = 0 से, तो आपको यहां मिलेगा a1 = 2 b1 = 3 और c1 = -5। ठीक है, तो हमने a1 b1 और c1 निकाल लिया। अब आप इसी तरह से क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को भी कंपेयर करा लोगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को a2x + b2y + c2 से आप कंपेयर कराओगे ना, इसे भी मैं क्या करता हूं कि 1 को इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में। एक चीज ध्यान रखना है, जो भी आपका चाहे एक्स है, वाई है या कांस्टेंट पार्ट है, दोनों इक्वेशन में सेम साइड होना चाहिए। अगर आपका जो एक्स वाला पार्ट है ना, जैसे 2x 3x, दोनों में लेफ्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3y 2y, दोनों लेफ्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कांस्टेंट वाला पार्ट, अगर आप 5 और 1 को लेफ्ट में रखोगे दोनों को, तो दोनों में ही लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब 5 है तो -5 इधर आ गया और -1 इधर आ गया। या आप दोनों को राइट में रख के भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज नहीं करनी है कि आपने एक को तो लेफ्ट में ले आए, कि सपोज 5 को आप लेफ्ट में ले आए और इसे राइट साइड रख के सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, वरना साइन की हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहां से आप लिखोगे a2 = 3 b2 - 2 और c2 - 1। अब हम क्या करते हैं, a1 / a2 निकालते हैं, 2/3 आ गया, b1 / b2 निकालते हैं, 3/-2 आ गया, और c1 / c2 निकालते हैं, -5/-1। ठीक है, यानी कि 5/1 आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 / a2 is not equal to b1 / b2, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा गया है कि लाइंस कैसी होंगी, तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज मैं मैनी सॉल्यूशन देख लूं, अगर
ठीक है, तो ये 2x + 3y = 5 था मेरे पास, ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं हम 4x + 6y = 10। आप देखोगे ये दोनों इक्वेशन ही सेम होंगी अगर आप कुछ कॉमन ले लोगे ना, जैसे इसमें से नीचे वाली इक्वेशन से आप 2 कॉमन ले लो तो ये सेम पहले वाली इक्वेशन बन जाएगी, तो आपको इन्फाइनाइट सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 और c1, इस बार मैंने दोनों को राइट साइड रखा हुआ है ना, लेफ्ट में नहीं लेके जा रहे, आप किधर भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही a2 आ गया 4, b2 आ गया 6 और c2 आ गया 10। तो a1 अपॉन a2 आप निकालो 2/4 हो गया, b1 अपॉन b2 आप निकालो 3/6 हो गया, और c1 अपॉन c2 आप निकालो 5/10 हो गया। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ये तीनों आपको क्या मिल जाएंगे, 1/2, 1/2 और 1/2। तो आप लिख सकते हो a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2। तो आप बोल दोगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आप इसे भी कंसिस्टेंट लिखोगे, और अगर लाइंस के बारे में पूछा जाएगा तो कैसी होंगी, कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी। ठीक है, जब हम ग्राफिकल मेथड करेंगे तो हम उसमें बना के भी देखेंगे कि कैसे एक दूसरे के ऊपर लाइंस ओवरलैप करेंगी। दूसरा टाइप देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें हम दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या है, आपको दिया हुआ है कि इक्वेशन जो है उस पर यूनिक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। अभी तक आप चेक कर रहे थे कोफिशियंट्स को रख के, और चेक करके आप बता रहे थे कि किस तरह का सॉल्यूशन है ना। इस बार ये दूसरा टाइप जो हमारा, इसमें ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, पहला हमने करा, और दूसरा टाइप जो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है कि ये है kx - 2y = 3 है ना, और एक इक्वेशन है 3x + y = 5, और हमें गिवन क्या है कि रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एट यूनिक पॉइंट। लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आपको गिवन है, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको गिवन है तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो हम क्या करेंगे, यहां से a1 निकालेंगे k आएगा, b1 निकालेंगे -2 आएगा, a2 निकालेंगे 3 आएगा, और b2 निकालेंगे 1 आएगा। y का कोफिशियंट क्या है, 1। और हम इस कंडीशन जो हमने लिखी हुई है यूनिक सॉल्यूशन की, इसके अंदर क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। तो k/3 is not equal to -2/1। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, k is not equal to -6, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है कि k की वैल्यू 6 नहीं है, -6 नहीं है, k की वैल्यू -6 नहीं है, -6 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो इसके आंसर लिखने के कई तरीके, एक तो आप यही तरीका लिख सकते हो कि k इज नॉट इक्वल टू माइनस सिक्स, एक आप ऐसे लिख सकते हो कि k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -6, -6 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स आप यहां पे रख सकते हो, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से भी आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो क्या बनेगा, यहां पे जो आपका आंसर है वो क्या बनेगा, वो पूछ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ k क्या होगी, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -6, ठीक है ना, -6 को छोड़ के बाकी आपकी जो k की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इसी का आप देखो सेकंड एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फर्स्ट ही हो गया है, सेकंड क्वेश्चन ये देखो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ k अगर नो सॉल्यूशन है, आपको इस बार क्या दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, आपके पास ये हो गया x + y - 4 = 0, दूसरी इक्वेशन हो गई 2x + ky - 3 = 0, ठीक है, और नो सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो नो सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखते हैं, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ठीक है। a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर है बट c1 upon c2 के बराबर नहीं है। आपको क्या निकालना है कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहां पे आप रख दो, यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो। a1 क्या है, 1, b1 है 1, c1 है -4, a2 है 2, b2 है k और c2 है -3, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसमें कंडीशन में पुट कर दोगे तो क्या आएगा, 1/2 is equal to 1/k is not equal to -4/-3, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालें,
इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलता है, k इज इक्वल टू 2। और अगर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा पूछा जा रहा है कि k किसके बराबर नहीं है तो हम बताएंगे। अब जैसे यहां पे हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 2, तो जो मेरा ऑप्शन डी है वो मेरा आंसर बन जाएगा कि k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड के अंदर आपको क्या दिया, नो सॉल्यूशन दिया हुआ है फिर से। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इज 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हैव नो सॉल्यूशन, है ना। तो उसके अगले साल सेम ही क्वेश्चन आ गया है थोड़ी सी इक्वेशन को चेंज करके, तो इसका भी आंसर आपका क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपको के बताना है, नो सॉल्यूशन यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो फोर्थ क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करें तो देखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे इसे। ठीक है, या फिर इसे ऐसे ही रखते हैं, इक्वल्स टू 1 ही रखते हैं, उधर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन आपके पास है 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो आप लिख लो a1 आ गया हमारे पास 3, b1 आ गया 1 और c1 आ गया 1। ठीक है, a2 आ गया, x का कोफिशियंट है 2k माइनस 1, b2 आ गया k माइनस 1 और c2 आ गया 2k प्लस 1। अब हमें नो सॉल्यूशन बोला गया है ना, नो सॉल्यूशन हमें बोला गया है, तो हम लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमने क्या करा है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी है यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करें, इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो होगा 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 3, 3k तो यहां पे आएगा 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, k इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है ना। हमें ये वाली जो इक्वेशन है तब सॉल्व करनी पड़ेगी कि अगर या तो आपको इधर से आपको दो आंसर मिल रहे हो, इसे सॉल्व करके आपको दो आंसर मिल रहे हो, उसमें से आपको चेक करना हो कि कौन सा आंसर है। ठीक है, या फिर हमसे ये पूछा गया हो कि k किसके बराबर नहीं है, तो आप यहां से भी सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हो कि k की वैल्यू क्या नहीं होगी। सपोज यहां क्वाड्रेटिक बनती और मुझे दो आंसर मिल जाते और मुझे फिर एक आंसर उसमें से देखना पड़ता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई एक आंसर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन से भी क्या करेंगे, सॉल्व करके निकाल लेंगे 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1। ठीक है, तो 2k माइनस के इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 माइनस k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, यानी k की वैल्यू माइनस 2 नहीं होगी। बट हमारा आंसर 2 आ रहा था तो हमें आंसर 2 ही देना। और सपोज यहां पे ऐसे आता कि प्लस 2 माइनस 2 कुछ क्वाड्रेटिक बनती या कुछ इस तरह से आता, तो फिर हम यहां से चेक करते कि माइनस 2 नहीं है, माइनस 2 वाले को हम रिजेक्ट करते और k इक्वल्स टू 2 आंसर रखते, उस केस में अगर दो आंसर आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, ये भी दो नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और ये आपको दिया हुआ है k माइनस 1 x प्लस k प्लस 2y इक्वल्स टू 3k। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालो, a1 आ गया 2, b1 आ गया 3, c1 आ गया 7, a2 आ गया k माइनस 1, b2 आ गया k प्लस 2 और c2 आ गया 3k। अब यहां पे आप पुट कर लो, तो
टू अपॉन के माइनस वन इज इक्वल टू थ्री अपॉन के प्लस टू इज इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री के। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा टू के प्लस टू इज इक्वल टू थ्री के माइनस वन, तो ये बनता है टू के प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री के माइनस थ्री। सॉल्व करेंगे, फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री के माइनस टू के, तो सेवन इज इक्वल टू के। तो आपका आंसर क्या आ जाता है कि के इज इक्वल टू सेवन आ जाता है। आप फिर यहां से भी चेक कर सकते हो, ऐसे आप चाहो तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनता है नाइन के, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आता है सेवन के प्लस फोर्टीन। यहां से भी आपका आंसर सेम ही बनेगा, तो टू के इज इक्वल टू फोर्टीन, के इज इक्वल टू सेवन आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।